वाराणसी में गुरुवार को नगर निगम के कर्मचारियों ने चक्का जाम कर दिया और पुलिस पर दुर्व्यवहार करने का आरोप लगाया। आपको बता दें कि दसवातमेद इलाके में नगर निगम कर्मचारियों ने उस वक्त इकट्ठा होकर चक्का जाम कर दिया जब एक पुलिस के सिपाही ने नगर निगम के कर्मचारी के साथ दुर्व्यवहार कर दिया। दरअसल नगर निगम कर्मचारी ट्रैक्टर से कूड़ा इकट्ठा कर उसे कूड़े को डालकर वापस आ रहा था। उसने रास्ते में पुलिस द्वारा लगाए गए बैरिकेडिंग को देखा, जिसके बाद उसने पुलिस से बैरिकेडिंग हटाने के लिए बोला। बस इसी बात को लेकर सिपाही और नगर निगम के कर्मचारी में नोकझोंक हो गई, जिसको लेकर सभी कर्मचारियों ने मिलकर चक्का जाम कर दिया। सूचना हमको मिली है कि हमारे नगर निगम के जो कर्मचारी अनवरत काम कर रहे हैं लॉकडाउन में और बहुत व्यवस्थित और बहुत उत्तम व्यवस्था दे रहे हैं, उसमें हमारा ट्रैक्टर चालक जो कूड़ों को लेके जाता है, खाली ट्रैक्टर लेके आ रहा था, क्योंकि हमारे यहाँ ये पुलिस बूथ चितरंजन पार्क है, वहाँ बैरिकेडिंग में सब्जी मंडी होने के कारण भीड़ को कंट्रोल करने के लिए वो बैरिकेडिंग रखता है। ट्रैक्टर चालक आया है, वो कहा कि बैरियर हटाने के लिए, तो मौके पर जो भी पुलिस के लोग रहे होंगे वो कहे कि तुम उतर के हटाओ, मगर वो चालक स्टेयरिंग नहीं छोड़ना चाह रहा था, वो किसी अपने कर्मचारी को फोन किया कि आके बैरिकेडिंग हटा दो, तो सिपाही जो भी रहे हों वो कहे कि लाट साहब ऐसा ड्राइवर का कहना है, तुम लाट साहब हो गए हो उतर के नहीं हटा सकते, तो ड्राइवर बोला कि हम स्टेयरिंग नहीं छोड़ सकते हैं। उतने में हमारे क्षेत्र के जो एरिया इंस्पेक्टर हैं स्वास्थ्य विभाग के आदरणीय प्रदीप वर्मा जी, उनको जानकारी हुई तो मौके पर गए समस्या समझने उसके समाधान करने, मगर उतने में बातचीत के ही क्रम में अब वो सिपाही किस परिस्थिति में किस कारणवश इंस्पेक्टर जो हमारे स्वास्थ्य विभाग के उनके साथ दुर्व्यवहार हो गया ऐसा हमको बताया जा रहा है। तो क्योंकि हम आए हैं एरिया का बात है, हमारे कर्मचारी हैं, पुलिस भी हमारी है, उसमें किसी न किसी से कोई भूल गलती हो गई है, तो चूँकि अभी देश बहुत संवेदनशील मोड में है, उसमें पुलिस की सेवा भी प्रशंसनीय है और हमारे स्वास्थ्य विभाग नगर निगम के जो कर्मचारी अधिकारी लगे हैं उनका भी काम प्रशंसनीय है।